हेलो फ्रेंड्स लास्ट लेक्चर्स में हमने फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमी की बात की थी आज हम यहां पे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं विच कैन बी हेल्पफुल फॉर यू एन एग्जाम तो सम कंडीशंस रिगार्डिंग क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक आज उस पर बात कर रहे हैं कॉन्सेप्ट में क्या है वट वी हैव इफ अल्फा एंड बिट्टा आर

एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट इज सी बाई ए नाउ द क्वेश्चन वन बाय अल्फा माइनस वन बाय बिटा वी हैव सो मेनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द रिलेशन बिटवीन दीरो बिफोर दैट हाउ वी विल फाइंड दिस क्योंकि जो हमारा कॉन्सेप्ट है ना दोस्तों हमारे पास सिर्फ दो चीजें हैं दो टर्म्स हैं वन इज अल्फा प्लस बीटा अदर इज अल्फा बीटा तो जो हमारा रिलेशन है जो भी हमने फाइंड करना है जो भी रिलेशन हमने फाइंड करना है दैट वी हैव टू रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सम एंड प्रोडक्ट हाउ आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी फर्स्ट वी नो अल्फा प्लस बीटा होल स्केयर इज अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर प्लस टू अल्फा बीटा अब ये वैल्यू फिर क्या आ जाएगी तो अल्फा स्केयर प्लस बिटास्केयर इज अल्फा प्लस बिट्टा होल स्केयर माइनस टू अल्फा बेटा अब ये देखो हमने क्या किया स्केयर को सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट में रिप्रेजेंट कर दिया ये वैल्यू हमारे पास है तो हम रिप्लेस कर देंगे तो व्हाट वी हैव अल्फा स्केयर प्लस बिट्टा स्केयर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बिटा होल स्केयर माइनस टू अल्फा बेटा सेम अगर मैं क्यूबिंग करूं तो वी हैव अल्फा क्यूब प्लस बिट्टा क्यूब प्लस थ्री अल्फा बिट्टा इन अल्फा प्लस बिट्टा अब ये फाइंड करने तो वो दोनों लेफ्ट साइड अब ये आ गया अब यहां पे क्या आ गया देखो ध्यान से सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सम ऑफ जीरोस तो वेरी इजिली वी कैन फाइंड द वैल्यूज सेम वन रिलेशन अल्फा प्लस बिट्टा होल स्केयर व्हाट इज दैट अब हमें पता है ये इसके कुल है एक एडजस्टमेंट कर रहा हूं यहां पे प्लस टू अल्फा बिट्टा को कैन वी राइट नाउ व्हाट वी हैव अल्फा माइनस बिट्टा स्केयर प्लस फोर अल्फा बिट्टा क्योंकि अब हम वैल्यू जो फाइंड कर रहे हैं वो अल्फा माइनस बिट्टा की फाइंड कर रहे हैं तो फ्रॉम हेयर अल्फा माइनस बिट्टा स्केयर इज अल्फा प्लस बिट्टा होल स्केयर माइनस तो वी हैव थ्री रिलेशन सेम वी कैन मेक विद अनदर बट दिस दीज आर इन अवर सिलेबस अप टू स्केयर और क्यूब और नेगेटिव नाउ द क्वेश्चन इज हाउ वी विल फाइंड ऑल दीज है ना तो क्वेश्चन अभी है आई एम टेकिंग नाउ एग्जाम्पल सम्पल्स फॉर ऑल दीज क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास एफ अल्फा एंड बिट्टा आर जीरोज ऑफ टू एक्स स्क् माइनस फोर एक्स प्लस फाइव देन फाइंड वेरी फर्स्ट अल्फा स्क्वेयर प्लस बिट्टा स्क्वेयर सेकेंड अल्फा क्यूब प्लस बिट्टा क्यूब थर्ड वन बाय अल्फा वन बाय बिट्टा फोर्थ अल्फा स्केयर बिट्टा प्लस अल्फा बिट्टा स्केयर तो वी कैन फाइंड एनी रिलेशन इन दैट अब यहां पे दोस्तों दो मेथड्स हैं करने के पहला मेथड अगर मैं इजी वाला बताऊं आपको अगर आप इसको फैक्टराइज कर सकते हो वेरी फर्स्ट वेरी फर्स्ट क्या है फाइंड जीरोस जो हम लास्ट टॉपिक में बात कर चुके हैं जीरोस फाइंड करो अगर जीरोस फाइंड हो गई तो व्हाट इज मेंशन हियर अल्फा एंड बिट्टा तो एक को ले लेंगे अल्फा एक को बिट्टा दैट वी विल डिस्कस बट यहां पे मैं इसे फैक्टराइज नहीं कर पा रहा यू आर नॉट एबल टू फैक्टराइज दिस तो क्या करेंगे नाउ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस तो अल्फा प्लस बीटा क्या हुआ माइनस बी बाई ए मतलब टू और अल्फा बिट्टा क्या हुआ सी बाय ए दैट इज फाइव बाय टू नाउ वेरी फर्स्ट पार्ट गाइस दिस अब देखो एक तो डायरेक्ट रिजल्ट हो गया ठीक है आपको याद है अगर आपको याद है तो हम डायरेक्ट रिप्लेस करेंगे नाउ अल्फा प्लस बिट्टा इज टू दैट इज फाइव बाय टू फोर माइनस फाइव एक तो ये आ गया बट प्रॉब्लम मेरे को नहीं याद सपोज ये तो याद है नहीं याद कोई बात नहीं बैक टू नाइन्थ क्लास हमने polynomials पे बात की हुई है है इफ इज दिस फाइंड ना तो सेम हमने अल्फा स्क्स बिटा स्केयर फाइंड करना है हमारे पास अल्फा प्लस बिटा है तो स्केरिंग कर दो आप वो बस ड्राइव हो जाएगा जैसे मैंने लास्ट ड्राइव किया है ना तो वो ड्राइव हो जाएगा कॉन्सेप्ट में कोई चेंज नहीं किया ये ये आ गया ए स्क्यर प्लस बी स्क्र प्लस टू अल्फा बीटा दिस इज फोर अब इसकी वैल्यू हमारे पास है फाइव बाई टू बात एक ही है क्या हुई यहां पे मैंने डायरेक्ट रिप्लेस कर दिया और यहां पे हम क्या कर रहे हैं सॉल्व कर रहे हैं तो दैट इज ऑन यू आप इसको कैसे करना चाहते हो अगर डायरेक्ट याद है तो ऑब्वियसली आई विल प्रेफर यू हैव टू गो विद दिस वन अगर आपके को डायरेक्ट नहीं याद तो यू हैव टू गो इन दैट वे अब सेकेंड पार्ट हमें चाहिए अल्फा क्यूब प्लस बिटा क्यूब एंड वी नो दैट अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस थ्री अल्फा बिटा इंटू अल्फा प्लस बिटा अब अल्फा प्लस बीटा दोस्तों कितना आ गया टू अल्फा बीटा कितना है फाइव बाय टू दिस इज टू कैंसल एट माइनस फिफ्टीन माइनस सेवन सेम ऑल्सो वी कैन डू अगर आपके ये नहीं याद और आपको डाउट है तो यू कैन डू से इन दिस वे नाउ थर्ड पार्ट वन बाय अल्फा प्लस वन बाय बिट्टा एल्सियम दोस्तों दिस इज देयर नाउ व्हाट इज बिट्टा प्लस अल्फा और अल्फा प्लस बिट्टा वी हैव डन टू एंड दिस इज फाइव बाई टू तो सॉल्व किया कितना आ गया हमारे पास फोर बाय फाइव एंड द फोर्थ वन अल्फा स्केयर बिट्टा प्लस अल्फा बिट्टा स्केयर अब यहां पे क्या प्रॉब्लम है अब डायरेक्ट नहीं बन रहा तो यहां पे कॉमन देखो इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है अल्फा बिट्टा तो व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड अल्फा प्लस बिट्टा व्हाट इज अल्फा बिट्टा फाइव बाय टू वॉट इज अल्फा प्लस बिट्टा टू तो दिस इज द आंसर तो इन दिनो वी कैन फाइंड द कंडीशन और सॉल्विंग द वैल्यूज ये तो थी जहां पे हम फैक्टराइज नहीं कर सकते है ना अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं यहां पे हम फैक्टराइज कर सकते आई एम चेंजिंग ओनली दिस दोनों मेथड्स आपके पास हैं गाइस यहां पे देखो हमने डायरेक्ट रिप्लेस कर दिया तो एक ऑप्शन में लेके चल रहा हूं सपोज वी आर नॉट एबल टू फैक्ट वी आर फैक्टराइज अब ये आ गया पी एक्स इज टू एक्स स्क् माइनस एक्स माइनस थ्री फैक्ट्राइज माइनस थ्री एक्स प्लस टू एक्स माइनस थ्री आफ्टर टेकिंग कॉमन आई एम राइटिंग डायरेक्टली बिकॉज वी हैव डन इन डिटेल अब जीरो के लिए क्या करेंगे एक बार ये जीरो आ गया एक बार ये जीरो आ गया तो फ्रॉम हेयर एक्स गाइज थ्री बाई टू फ्रॉम हेयर एक्स तो ये दो जीरो आ गई और इन्होंने क्या बोला यहां पे अल्फा एंड बिट्टा आर तो एक को हमने अल्फा ले लिया एक को क्या ले लिया बीटा ले लिया अब देखो क्वेश्चन क्या बन गया तो वेरी फर्स्ट अल्फा स्क्यर प्लस बीटा स्क्यर थ्री बाय टू स्केयर प्लस माइनस वन स्क्र नाइन बाय फोर प्लस वन आफ्टर टेकिंग एलसीएम अवर आवर आंसर इज थर्टीन बाय फोर बट अगर डायरेक्ट करना है तो हमें इसकी जरूरत नहीं है नहीं है ना तो क्या लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए अल्फा बीटा सी बाय ए है ना तो वट वी हैव नाउ अल्फा स्क्यर प्लस बिट्टा स्क्यर इज अल्फा प्लस बिट्टा होल स्केयर माइनस टू अल्फा बेटा ये आ गया वन बाय टू और ये आ गया माइनस थ्री बाय टू वन बाय फोर प्लस थ्री देर इज नो चेंज इन आंसर गाइस तो दैट इज ऑन यू इसमें क्या डिफरेंस है और उसमें ये फैक्टराइज हो रहा है और फैक्टराइज करके हमने वैल्यूज फाइंड की वी चार ओवर जीरो अल्फा एंड बेटा तो यहां पे डायरेक्ट रिप्लेस कर दी दैट इज आंसर और दिस इज मैंने चेक ही नहीं करना ये फैक्टराइज हो रहा है या नहीं हो रहा आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट माई टाइम ऑन दैट थिंग वट आई एम डूइंग मैंने इसको डायरेक्ट सॉल्व कर दिया क्योंकि मुझे ये फॉर्मूला याद है तो दैट इज ऑन यू आई यू आर डूइंग इन दिस वे और यू आर डूइंग इन दैट वे दैट इज ऑन यू वट एवर यू वॉन्ट बट आई प्रेफर यू मस्ट गो विद दिस दिस इज अट बेटर देन दिस सेम यू कैन डू ऑल दिस नाउ गाइज तो दिस इज अ वेरी फर्स्ट फेज when we find some conditions, some questions or some relationship between the zeros of a quadratic polynomial, अब जो बात कर रहे हैं ये तो थी condition find करनी, अब जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं finding a polynomial, कैसे? If alpha, beta are zeros of टू एक्स स्क् प्लस एक्स प्लस फाइव देन फॉर्म ए पॉलिनोमियल जीरोज़ पॉलिनोम हुफा टू बीटा क्वेश्चन चेंज कर दिया इसकी जीरो तो हैं कहते हैं नया पॉलिनोमियल फाइंड कर नया क्या जिसकी जीरो ये है और वो बोल सकते हैं देखो अल्फा टू अल्फा डबल ऑफ जीरो तो सेंस एक ही है जब जीरोस की बात आ गई दोस्तों वेरी फर्स्ट स्टेप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा आपने फाइंड करना है बेस अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए अल्फा बीटा सी बाय अब व्हाट वी हैव टू फाइंड ये हो गया पहली लाइन के अल्फा अल्फाबिटा जीरोज है वी हैव फाउंड अल्फा प्लस बेटा एंड अल्फा अल्फाबीटा नाउ द क्वेश्चन इज वी हैव टू फॉर्म ए हुज पॉलिनोम आर दिस अब नया पॉलिनोम चाहिए हमें और हमें पता है नया पॉलिनोमियल क्या होता है एक्सकेयर माइनस सम ऑफ जीरो प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यही होता है ना लेट अस सी नाउ सम ऑफ समीरोज अब जीरोस क्या है टू अल्फा एंड टू बिट्टा क्योंकि हमने इस पॉलीनोमिल की बात करनी है टू कॉमन अब कॉन्सेप्ट वही है यहां पे जो एडजस्टमेंट करेंगे वो किस अकॉर्डिंग करेंगे अकॉर्डिंग टू दीज टू अल्फा प्लस बिट्टा और अल्फा बिट्टा तो ये आ गया व्हाट इज अल्फा प्लस बिट्टा वन बाय टू तो इसको सॉल्व किया सॉरी माइनस वन बाय टू तो इसको सॉल्व किया वी हैव माइनस वन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है ना टू अल्फा इंटू टू बिटा, फोर अल्फा बिटा अब व्हाट इज अल्फा बिटा टेन आ गया तो फिर पॉलिनोमियल क्या बना तो देर फोर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज एक्स स्क्र माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ तो सॉल्व किया गाइस अवर आंसर इज तो ऐसा कॉन्सेप्ट है अब यहां पे पॉलिनोमियल फॉर्म करना है। अब इसकी एक स्टेटमेंट क्या हो सकती है मैं बताता हूं ऑल्टरनेट अगर मैं ऑल्टर स्टेटमेंट की बात करूं फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल आर डबल ऑफ दिस देखो चेक गाइस कंप्लीटली सेम स्टेटमेंट डिफरेंस वहां पे जो स्टेटमेंट थी इन द फॉर्म ऑफ अल्फा बीटा थी और यहां पे जो स्टेटमेंट है दैट इज इन नॉर्मल इन वर्डिंग फॉर्म तो कॉन्सेप्ट सेम है इसके काफी क्वेश्चन हैं आई एम टेकिंग वन और टू एग्जांपल्स फॉर मेकिंग मोर क्लैरिफाई इफ अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल टू एक्स स्क् माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स देन फॉर्म zeros are suppose टू अल्फा plus वन टू beta plus वन आई एम टेकिंग टू थ्री examples together, guys. दिस तो ये मैं तीन एग्जांपल्स लेके चल रहा हूं यहां पे, ठीक है पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास ये मेरे को नहीं पता ये फैक्टराइज हो रहा है नो नीड टू चेक दिस हम डायरेक्ट अल्फा बिट्टा है अल्फा प्लस बिट्टा माइनस बी बाई ए है ना और अल्फा बिट्टा सी बाई अब वेरी फर्स्ट पार्ट हमने पॉलिनोमिल बनाना है जिसकी जीरोज ये रही ठीक एंड वी नो वो जो पॉलिनोम बनेगा जो भी बनेगा क्वाड्रेटिक तो उसका रिजल्ट क्या है एक्स माइनस सम ऑफ जीरोस इन टू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो है ना अब सम क्या आ गया दोस्तों टू अल्फा प्लस वन टू बीटा प्लस वन अब यहां पे टू कॉमन ये आ गया है ना अल्फा प्लस बीटा कितना है फाइव बाई टू तो सम ऑफ जीरोज आ गया हमारे पास सेवन प्रोडक्ट की बात करें मल्टीप्लाई किया ब्रैकेट्स ओपन की तो हमारे पास दोस्तों ये आ गया टारगेट वही अल्फा बिटा अलग कर दिया अल्फा प्लस बिटा अलग कर दिया अब अल्फा बिटा कितना है थ्री अल्फा प्लस बीटा फाइव बाई टू ट्वेल्व प्लस फाइव प्लस वन तो दोस्तों कितना आ गया एटीन देखो किया कुछ नहीं वही किया सिर्फ कैलकुलेशन कर रहा हूं मैं यहां पे इसको सॉल्व करने के लिए तो पॉलिनोमियल क्या बन गया एक्स स्क् माइनस सम ऑफ जीरो सेवन प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिस इज आंसर यहां पे कोई फैक्टराइज की जरूरत नहीं है अब सेकंड ये जीरो चाहिए है ना तो पहले सम वन बाय अल्फा प्लस वन बाय बिट्टा तो हमारे पास क्या आ गया ये आ गया अल्फा प्लस इज़ फाइव बाई टू अल्फा इज़ थ्री तो आफ्टर सॉल्विंग वी अल्फा इंटू वन बाय बीटा, और वी कैन से वन बाय अल्फा बीटा, अल्फा इज़ गाइस थ्री तो दिस इज देयर तो फिर जो पॉलिनोमियल चाहिए वो क्या बन गया एक्स स्केयर माइनस सम ऑफ जीरोज प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इफ यू वॉन्ट टू टेक कैल्सियम यू कैन टेक फ यू वॉन्ट टू ड्रॉप इट हेयर यू कैन ड्रॉप इट तो दैट इज ऑन यू तो दिस इज द कॉन्सेप्ट जहां पर हमने पॉलिनामल फॉर्म कर रहे हैं आई एम टेकिंग थर्ड अब थर्ड में देखिए सम ऑफ जीरो आ गया है ना अब इसको कैसे सॉल्व करते थे वही रिजल्ट जो मैंने कहा था आई विल प्रेफर दिस मैथड ड्यू टू दिस अब अल्फा प्लस बिट्टा कितना है फाइव बाई टू अल्फा बिट्टा कितना है थ्री ट्वेंटी फाइव बाई फोर माइनस सिक्स आफ्टर टेकिंग एलसीएम ये आ गया ठीक है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो फिर क्या हुआ अल्फा स्क्यू बीटा स्क्र तो जिसको हम अल्फा बीटा होल कर लिख सकते हैं विच इज नाइन है ना तो वॉट इज द पॉलिनोमियल तो पॉलिनोमियल क्या बना एक्सस्कियर माइनस सम ऑफ जीरोस Plus product of zeros. So, this is a concept as you can do. Now, I am talking about one more question, important question for your NTSC examination point of view for multiple point of view. Now, the question is if one zero of quadratic this is. नेगेटिव ऑफ अदर देन फाइंड के क्वेश्चन ये है दोस्तों कोई बात नहीं वन जीरो दे दी सपोज दिस इज अल्फा अदर जीरो आ गई सपोज बिट्टा पर ये क्या है नेगेटिव है ना तो इसका मतलब क्या होगा अगर एक जीरो अल्फा है दूसरी क्या होगी बिट्टा इज इक्वल टू तो माइनस अल्फा है ना तो वन जीरो इज नेगेटिव ऑफ अदर एक अल्फा हो गई दूसरी क्या हो गई माइनस अल्फा सम ऑफ जीरो माइनस कोफिश ऑफ एक्स अपॉन दिस वन बाय वन सॉल्व करेंगे ये कैंसिल हो गया जीरो माइनस माइनस प्लस थ्री उस तरफ गया गाइस दिस इज आंसर नो नीड टू गो फर्दर दिस इज अन्सेप्ट है ना वन मोर एग्जांपल वी हैव फ वन जीरो ऑफ टू एक्स स्क्वेयर प्लस फाइव एक्स माइनस ए प्लस थ्री थ्री इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर है ना फाइंड ए अब क्या है एक जीरो दूसरे की रेसिप्रोकल है तो अगर एक अल्फा है दूसरी क्या हुई वन बाय अल्फा तो क्वेश्चन क्या बना समीरो माइनस बी बाई ए प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी बाय ए यही है ना वट वी हैव टू फाइंड अब इसको सॉल्व करना ही इसको पहले ये देखो इजी कौन सा सॉल्व हो रहा है ये हो रहा है वन टू इस तरफ गया टू तो सॉल्व किया ए कितना आ गया माइनस फाइव और हमने क्या फाइंड करना था ए तो नो नीड टू गो विद मैंने दोनों तभी पैरेलल लिखे हैं मैंने डायरेक्ट वो नहीं लिखा क्योंकि मेरे को पता था ये सॉल्व हो रहा है बट आपको तो नहीं पता ना तो व्हाट वी हैव डन हमने दोनों पैरेलल लिख लिए पहले कौन सा इजी सॉल्व हो रहा है अब ये तो यहां पे सॉल्व हो रहा था तो आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ी पर ये सॉल्व नहीं हो रहा इसलिए मैंने क्या किया दूसरा साथ में लिखा क्योंकि वो जल्दी सॉल्व हो रहा है तो दिस इज द कॉन्सेप्ट नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एन टी एस सी पॉइंट ऑफ व्यू वी आर वर्किंग ऑन दैट गाइज क्वेश्चन क्या है इफ टू जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक दिस आर इन रेशो टू रेशो थ्री फाइंड द कंडीशन अब ये क्वेश्चन है देखो जीरोज इस रेशो में है तो फिर जीरोज आ गई टू अल्फा एंड थ्री अल्फा ठीक है इस रेशो में है सम ऑफ जीरो टू अल्फा प्लस थ्री अल्फा दैट इज माइनस बी बाय ए सॉल्व किया बी बाय ए तो अल्फा आ गया this. है ना प्रोडक्ट और हमारे पास सिर्फ ए बी सी खत्म हो गया तो कोफिशेंट क्या आगे ए बी सी गए तो जो हमारा रिलेशन आएगा कंडीशन आएगी इक्वेशन आएगी दैट इज इन टर्म ऑफ ए बी एंड सी अल्फा क्या है अल्फा तो हमने सपोज किया है स्टेटमेंट में तो कहीं भी अल्फा नहीं है सो वी कैन नॉट फाइंड द आंसर इन टर्म्स ऑफ अल्फा प्रोडक्ट दैट इज सी बाय ए सिक्स अल्फा स्केयर इज दिस अब अल्फा की वैल्यू यहां पे रिप्लेस करते हैं दिस इज देअर सिक्स बी स्केयर अपॉन ट्वेंटी फाइव ए स्केर इज इक्वल टू सी बाय ए तो आफ्टर एडजस्टिंग ये आ गया अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों क्या है यहां पे आपको कैसे पता चलेगा कि देखो एन में हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते इट्स नॉट पॉसिबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन एन एग्जाम तो थिंग इज हाउ यू कम टू नो दैट वी हैव टू फाइंड द रिजल्ट तो लेट अस डिस्कस ऑन दिस तो इसी को पहले मैं जर्नलाइज कर रहा हूं बिफोर गोइंग टू इट्स रिजल्ट मैं इसी को जर्नलाइज कर रहा हूं तो मैंने क्या किया ये देखिए टू रेशो थ्री था यहां पे सिक्स आया तो बेसिकली क्या टू रेशो का मतलब टू बी मिडल टर्म मिडल टर्म टू बी थ्री बी अब ट्वेंटी फाइव आया इन दोनों के साथ कैसे आया ये आया यही आया ना तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस अगर जीरो एम रेशो एन है तो रिलेशन क्या बनेगा इसका एम बी इन टू एन बी इज इक्वल टू एम प्लस एन स्केयर ए इंटू सी और वी कैन से बी स्केयर अपॉन ए सी मैं डायरेक्ट लेके चल रहा हूं जो रिजल्ट हमारा है यह है हमारा रिजल्ट स्केयर ऑफ मिडल कोफिशियंट कोफिशियंट ऑफ एक्स उठस स्केयर अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स स्केयर मल्टीप्लाई कॉन्स्टेंट टर्म है ना इज़ इक्वल टू अब ये क्या है सम ऑफ रेशोसर अपॉन प्रोडक्ट ऑफ रेशोस अब देखो क्या चल रहा है ध्यान से अब इसको रिलेट कर रहा हूं मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात लर्न कैसे करना है जब हम इसको फैक्टराइज़ करते हैं तो कैसे करते हैं हमें सम ये चाहिए प्रोडक्ट ये चाहिए यही चाहिए अब देखो यहां पे बी क्या है सम सम विद सम, ये प्रोडक्ट समय ए सी तो प्रोडक्ट सम अलोंग सम प्रोडक्ट अलोंग अलोंग तो दिस इज अ रिजल्ट हमें सम चाहिए बी स्केयर और इस तरफ सम क्या आ गया एम प्लस एन स्केयर नीचे प्रोडक्ट चाहिए ओके okay. नीचे क्या चाहिए प्रोडक्ट चाहिए तो दिस इज एयर तो दिस इज द कॉन्सेप्ट यू कैन लर्न तो यह आपको एन में काम आएगा सपोज यहां पर आ गया वन जीरो इज डबल ऑफ अदर तो बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ कौन सी रेशियो आ गई वन रेशियो टू तो दिस इज द कॉन्सेप्ट गाइज विच इज वेरी यूजफुल इन एन टी एस सी एग्जाम आई होप यू लाइक दिस लेक्चर थैंक यू